अभी हैं हम विनोद विनोद होम्स से, मैंने कितनी बार ले लिया ये शॉट, और आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। उनको ये देखो क्या मस्त व्यू है यहाँ से। यहाँ पे आप आओगे ना तो एक चीज़ मिलेगी आपको, वो है लोकल फूड मिलेगा यहाँ पे आपको, और लोकल बंदे कैसे रहते हैं वो मिलेगा आपको, और बजट में भी है ये। अभी जाएंगे हम नीचे, नदी है कोई बसपा रिवर, हाँ बसपा रिवर पे जाएंगे। तो अभी हम कहाँ के आ रहे हैं, फोटो शूट चितकुल आए, और फोटो शूट ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। और ये खड़ी अपनी एक्सपर्स, क्या हैवी लग रही है यार। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, उधर का व्यू देखो बहुत सही। ये यहाँ से ग्लेशियर से पानी आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है। बहुत तेज नदी बह रही है यार ये बसपा रिवर, बहुत तेज फ्लो है इसका। आपको मिलवाते हैं इस होमस्टे के मालिक से, इसका नाम है मनमन। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अच्छे नहीं हो? कल शाम को क्या हो गया? कल शाम को कुछ नहीं हुआ। वो बस्टर बुला रहा है आपको? बस्टर का फोटो खींच लिया तुमसे पहले, बस्टर से ही तो मुलाकात हुई हमारी। हेलो, ये देखो कर रहा है हाई फाइव भी करता है, हाई फाइव। हेलो दर्दे, हेलो हेलो दर्दे, सुंदर है बहुत, मोटू है वहाँ के, मोटू और भाई। The next day. वहीं हैं चितकुल में, होम स्टे में रुके हुए थे, वहीं पर हैं अभी। और एक दिन हम और रुक गए थे यहाँ पे क्योंकि ना मौसम ऐसा लग रहा था कि ख़राब है, और साथ वालों किसी का सर दर्द हो रहा, किसी का कुछ, और यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ। और पीछे देखो, यहाँ पे पीछे बर्फ़ पूरी पड़ गई रात को, दिखाता हूँ आपको इससे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे रात को बहुत बर्फ़ गिरी है, यहाँ पे भी रात को बहुत बर्फ़ गिरी है, पहले थी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत बर्फ़ गिरी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह। सही लग रहा है, अभी निकलेंगे आज आगे के लिए, रिकॉन्गपियो के आगे जाएंगे, फिर कल्पा देखते हैं आज रुकेंगे या फिर नहीं। वैसे रुकने का मन तो है, देखेंगे अगर सही लगा तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी टाइम हो रहा है 5:32। पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है और सारा सामान रेडी है अपना, अब जाएंगे सीधा बाइक पे, अटैच वगैरह करेंगे, आधा घंटा लगेगा उसमें। और आज हम जा रहे हैं, पहले तो जाएंगे कल्पा, करचम से होते हुए रिकॉन्गपियो कल्पा 80 किलोमीटर है जो कि यहाँ से, और फिर उसके बाद देखेंगे। कल्पा में रुकेंगे नहीं आज क्योंकि वैसे ही हमारा एक दिन आगे चल रहा है, क्योंकि कल हम एक दिन एक्स्ट्रा रुक गए थे यहाँ पे। अपना सारा सामान वगैरह लग चुका है भाई, टाइम लग गया काफ़ी, टाइम हो चुका है अभी 8:04 हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत स्टीप है यार, हमारा होम स्टे ऊपर था ना तो बाइक भी ऊपर चढ़ा ही दी हमने, यहाँ से बहुत स्टीप है, सामान वगैरह वैसे ही लग चुका है। मौसम बहुत ठंडा हो गया था, अभी तो ठीक है मौसम, अभी इतना ठंडा नहीं है क्योंकि धूप वगैरह निकल चुकी है। चलो चलो जी, बंदे पीछे बैठ गए हैं, अपना राइडर आगे निकल गया है, ना वगैरह झरना नहीं कह सकते उसको, लेकिन ऊपर से नदी आ रही है ना तो ऐसे वो बिल्कुल स्टीप बहता है वो,
सही लगता है बहुत। फोटो वगैरह मैं अभी शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। दिख रहा है कहाँ है? पीछे पीछे मंदिर। हाँ वो बह रहा, देखो वो ऊपर से आ रहा है, वहाँ पे गए थे हम कल। पुल के रास्ते में आती है ये जगह। यार नीचे वैली देखो यार, क्या मस्त है। खाने पीने के लिए मोमोज खाए। इसका नाम है तिब्बतीन कैफेटेरिया, सांगला में पड़ता है। खाना अच्छा था वैसे, मतलब मोमोज चाइनीज ही मिलता है यहाँ पे। मोमोज और चाउमीन खाई, अच्छी थी। चाय भी अच्छी थी, चाय भी पी। और सुमित प्राइडर आगे चला गया, उसके वो खाने लगा ना तो नाक में से खून बह रहा था उसके, हाई एल्टीट्यूड की वजह से है। हम कभी इतने हाई एल्टीट्यूड पे आया नहीं, हम भी नहीं आए हैं वैसे तो, लेकिन उसकी नाक में से आ रहा है खून। तो मेडिकल से पूछा, फिर वो बोल रहा है हाई एल्टीट्यूड की वजह से होता है वैसे, आप डॉक्टर को दिखा दो आगे। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर को, बस ठीक है मुझे पता है हाई एल्टीट्यूड की वजह से है। ये रास्ता है जी ख़तरनाक, तो पूरे पत्थर ही पत्थर है रोड में। करचम वाला मोड़ आ चुका है, ऊपर जाएंगे रिकॉन्ग्रो के, और हमारा बंदा थोड़ा पीछे है, उसका वेट करेंगे। पहले तो राइट ले लिया है वहाँ से, यह है करचम डैम। रोड ज़बरदस्त है यार, ये टनल बन रही है राइट साइड में, दो टनल दिखी, ये तीसरी है शायद। हाँ ये देखो टनल बना रहे हैं। हल्पा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, अभी रिकॉन्गपियो पहुँचे नहीं थे, मुझे लगा हम पहुँच गए रिकॉन्गपियो। गूगल मैप्स मैप दिखा रहा था कि रिकॉन्गपियो पहुँच गए हम। ये रिकॉन्गपियो होगा, हाँ रिकॉन्गपियो है ये। 6 किलोमीटर दिखा रहा था ना रिकॉन्गपियो, ये रिकॉन्गपियो है। अच्छा बना हुआ यार, पहाड़ देख कितने मस्त लग रहे, नदी जा रही नीचे, वाह। कल्पा के लिए राइट ले लिया है, एक सामने जा रहा था रास्ता है, इधर मुड़ रहा था राइट। एक लेना है मेमोरी कार्ड हमें स्टोरेज के लिए गोप्रो की। रिकॉन्गपियो क्या कर रहे हो भाई, 128 GB का, हाँ 128 GB का मेमोरी कार्ड सिंपल वाला होता है ना जो, वो दे रहे हैं 1500 का, जो कि हम 1000 रुपये का लेके आए नीचे से। और ये HP वाला है जो बंदा, सैमसंग वाला जो लिखा हुआ है ना सैमसंग, HP का दे रहा है 64 GB का, 64 GB का दे रहा है 1500 का ये। हम पीछे वही ठीक है फिर तो, हमारे वाले 128 GB वाला। क्या कर रहा भाई तू, प्रस्ते हैं यार कल्पा के। बहुत स्टीप। एक्सपल्स वेट कर रहे हैं उसका, हाँ आ गया वो। लेकिन ये देखो वो भाई का व्यू है यार यहाँ से सामने। मौसम ख़राब हो रखा है हमने शायद, है ना, पूरा हैवी व्यू आ रहा है यार। तो आगे चलते हैं, पता तो पहुँच गए हैं। अभी खाने पीने का कुछ ढूंढ रहे हैं, ऊपर रेस्टोरेंट बोल रहे हैं कि हैं लेफ्ट में। व्यू बहुत अच्छा है कल्पा का वैसे। मेरे को यहाँ होटल मोनल रेजिडेंसी, वो बाइक हैं उधर लगा दी हैं। और ऊपर यार मौसम एकदम भयंकर हो रहा है, एकदम ठंड हो गई एकदम से। अभी कुछ खाएंगे यहाँ पे, कुछ खाया नहीं है ना सुबह से, वही बस मोमोज और चाउमीन खाई थी थोड़ी सी। नहीं है क्या? नहीं है खाने का? अबे यार क्या है, जहाँ पे रुके हैं ना वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो क्या ओपी व्यू है यार ये। रूम ले लिया था,
रूम की कंडीशन कुछ ऐसी है अपनी, ट्रिपल बेड लिया है। अब हम बंदे चाह रहे हैं, ये भाई हमें रास्ते में मिले थे एक्सप्रेस वाले, तो ये भी अब हमारे साथ आ चुके हैं। तो अभी जाएंगे हम सुसाइड पॉइंट पे, वो यहाँ से कुछ है मे बी 2 किलोमीटर है बस, वहाँ जाएंगे और देखेंगे, वहाँ पे फोटोशूट वगैरह करेंगे, और तो कुछ है नहीं वहाँ पे। चलो फिर चलते हैं। चलो जी अब निकल रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। तीन एक्सपल्स हो गई, 2 से घर से लेके 1 चले थे। ये अपना सुसाइड पॉइंट, कुछ खास देखने का है नहीं, इन्होंने ग्रिल लगा रही है। इधर से देखो काफ़ी ऊंचा है ना ये, इसलिए काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर रखा है यहाँ पे। पिछले साल भी किसी ने क्या, पिछले साल ग्रिल लगा दी फिर यहाँ पे किसी ने, सरकार नहीं लगाई होगी किसी ने क्या। कुछ खास देखने का है नहीं वैसे यहाँ पे, लेकिन पहाड़ियाँ बहुत ऊँची ऊँची हैं। तीनों एक्सपल्स लगा दी एक साथ, मस्त लग रही हैं। आई लव किन्नौर विद एक्सपल्स। ₹5 लाख की ऊंचाई देख लो, बहुत ऊंचा है यार ये वहाँ, वो है तो साइड पॉइंट, ये इसकी गहराई इतनी। सुसाइड पॉइंट तो घूम के आ चुके हैं, अभी बस रूम में आराम करेंगे, थोड़ा टाइम हो चुका है, 6:46 हो चुके हैं शाम के, और बस रात को खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, सुबह निकलेंगे नाग को ताबो के लिए।